जनाब यूनिस अहमद साहब, आप भी आईपीएस वजीफा याब अफसर हैं, आईजीपी के हैसियत से खिदमत अंजाम देते हुए सुबुकदोश हुए। हुकूमत कर्नाटक ने आपके खिदमत का दायरा वसी करते हुए आपको कर्नाटका स्टेट माइनॉरिटीज़ कमीशन का चेयरमैन नामजद किया है। खलील साहब से जुड़ी बहुत सी यादें महकमे के हवाले से भी आपसे जुड़ी हुई हैं। मैं गुजारिश करता हूँ जनाब यूनिस अहमद साहब तशरीफ़ लाएँ और अपने तासुरात से हमें नवाजें। हज़रात आदाब, मेरा ताल्लुक खलील मामून साहब से दो वजहों से है। एक ज़रिया था उर्दू अदब के बहुत ही मशहूर शायर भी जनाब महमूद अयाज साहब, एक और पुलिस सर्विस। पुलिस सर्विस में हम लोग साथ साथ थे, मेरे सीनियर थे, मेरे आने से पहले वो पुलिस में ज्वाइन कर चुके थे, खिदमत अंजाम दे रहे थे। पुलिस महकमे में होते हुए हम लोग हर बार मीटिंगों में, कॉन्फ्रेंसेस में और हर जगह मिलते थे, साथ काम करने का इत्तेफाक नहीं हुआ था। अलबत्ता सर्विस के उनके आखिरी अयाम में, जब वो आईजी होमगार्ड्स एंड सिविल डिफेंस थे, तो मेरा तकरूर भी उस वक्त उनकी ऑफिस में आईजी फायर फोर्स और डिज़ास्टर मैनेजमेंट की तरह हुआ था। तो हम दोनों को एक ही ऑफिस में रहकर, एक ही साथ, एक ही डिपार्टमेंट में, दोनों मुख्तलिफ शोबों में काम करने का मौका मिला। वैसे उनके अदबी खिदमात से तो मैं वाकिफ था, मगर उनकी जो ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी थी उस ज़माने में, हम लोगों ने एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ताल्लुक से एक इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑर्गेनाइज़ किया और उसकी ज़िम्मेदारी हम दोनों पे थी, मगर जिस अंदाज से उन्होंने उस काम को निपटाया, ऑर्गेनाइज़ किया, वो हम मेरे सोच में भी नहीं था, मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता था कि इस तरीके से, इस मयार पे इसको हम उस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। जब भी मुझे अंदाज़ा हुआ कि उनके अंदर की जो सलाहियतें थी, ही कुड बिकम, अंग्रेज़ी में अगर कहा जाए तो, वन ऑफ द बेस्ट इवेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन, उतनी उनके अंदर इंसानी सलाहियत का जज्बा था और उनके अंदर वो सलाहियतें भी मौजूद थी, उसी वक्त मुझे उसका अंदाज़ा हुआ। वैसे पुलिस महकमे में भी उन्होंने कई इस तरह की, जब वो डीसीपी क्राइम हुआ करते थे बेंगलुरु शहर के, तो उन्होंने बहुत सी इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस, पुलिस के महकमे में रहते हुए भी उन्होंने क्राइम्स के सिलसिले में, क्राइम प्रिवेंशन के सिलसिले में और बहुत इस तरह के कामों में बहुत से इवेंट ऑर्गेनाइज़ किए थे, मगर उनके साथ जुड़ के मैंने जो देखा, जो काम मुझे पहली मरतबा अंदाज़ा हुआ, उनकी सलाहियतें इस फील्ड में भी बहुत ही नुमायाँ हैं। दूसरा ताल्लुक मेरा उनसे जनाब महमूद अयाज साहब के तौसत से था, चूँकि वो हमारे कर्म फरमा थे। महमूद अयाज साहब मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करते थे और हम लोग सर्विस में होते थे। बेंगलोर में खलील मामून साहब रहते थे, उनसे मुलाकात होती थी, और जब भी महमूद अयाज साहब को मुझे बात करना होता या मुझे डांटना होता या मुझे कुछ बताना होता, तो वो पहले खलील मामून साहब से कहते थे कि वो लड़का कहाँ है, उसे बुलाओ, बात करना है उसको। तो वो ज़रिया होता था खलील मामून साहब का, वो मुझे फ़ोन करते, मुझे बताते, महमूद साहब आपको याद कर रहे हैं, आपको मिलना चाहते हैं, तो मैं फिर उनके पास हाज़िर होता। और उसके बाद ही, क्योंकि शुरू से उनके साथ रहने का, उनको सुनने का, उनको जानने का हमें भी मौका था, तो मुझे अंदाज़ा हुआ, ये मेरा ये तखय्युल, ये ख़याल है कि खलील मामून की शख्सियत महमूद अयाज साहब की शख्सियत से ज़्यादा मुतासिर थी। उनका जो गुफ्तगू का अंदाज था, वो वही अंदाज था जो महमूद अयाज साहब का था। तर्ज़ तकादुब कहिए आप उसको, या वो बागियाना ख्यालात कहें, जो भी आप महमूद खलील मामून साहब के ताल्लुक से आप कहते हैं, मुझे वही चीज़ें महमूद अयाज साहब की ज़िंदगी में भी नज़र आ रही थी, उनके बातचीत में, बोलचाल में, उनकी शख्सियत में नज़र आती थी।
तो मैं हमेशा वही मुआवजना करता था उनके साथ, जब मैं साथ में हम लोग काम करते थे आखिरी उनके रिटायर होने के कुछ अरसे पहले से, एक साल तक उनके साथ में रहा हूँ। हर दिन हमारी सोबत होती थी, बैठते थे डिपार्टमेंटल वर्क के ताल्लुक से, तो काफ़ी उनके साथ सोबत रही है। और उनकी अदबी जो कारनामे हैं वो आप सबके सामने नुमाया है, मुझे उसके ताल्लुक से कुछ कहना नहीं है। ताज्जुब की बात ये हुई कि जिस दिन उनका इंतकाल हुआ उसी दिन, मुझे उसी दिन कहिए दूसरे दिन ही, अभी यहाँ पे ताज़ती जलसे भी नहीं हो रहे थे, कुछ उसके बारे में बातचीत भी नहीं हो रही थी, हमारे एक दोस्त साथ सीनियर साथी जो भोपाल के डीजी रह चुके हैं, मध्य प्रदेश के डीजी रह चुके हैं, डायरेक्टर जनरल पुलिस रह चुके हैं, WW अंसारी, तो उन्होंने मुझे एक मैसेज भेजा उसी दिन। मैं उस मैसेज को आपके सामने गुजार कर देना चाहता हूँ। ये 23 जून 2024 को, इनके एक दिन के बाद, सान इरतहाल के एक दिन के बाद, खलील मामून का सान इरतहाल उर्दू ज़बान व अदब का नाकबिल तलाफी खसारा, तहजीब फाउंडेशन के ज़ेर अहतमाम भोपाल में मुनक़दा ताज़ीती नशस्त में दानिशवरों का इजहार ख्याल। खलील मामून का शुमार उर्दू दुनिया के उन नामों अदीबों में होता था जिन्होंने अपनी तहरीर से उर्दू ज़बान के दामन को वसी किया है। यूँ तो वो एक IPS अफसर थे, लेकिन उर्दू ज़बान व अदब से इन्हें असरज इश्क था। सर्विस में रहते हुए और इसके बाद भी इन्होंने उर्दू के कास के लिए जो इकदाम किए हैं, इन्हें कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। खलील मामून के सान इरतहाल की खबर से भोपाल मध्य प्रदेश की अदबी फ़ा सोगवार हो गई है। भोपाल क्वींस होम अपार्टमेंट में तहजीब फाउंडेशन के ज़ेर अहतमाम मुनक़दा ताज़ीती नशस्त में मुमताज़ अदीबों ने शिरकत की और खलील मामून के इंतकाल को उर्दू अदब का नाकबिल तलाफी खसारा करार दिया। ताज़ीती नशस्त में अपने ख्यालात के इजहार करते हुए साबिक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस MW अंसारी ने कहा कि खलील मामून ने उर्दू के लिए कर्नाटक में जो कारनामे अंजाम दिए वो नाकबिल फरामोश हैं। इन्होंने यहाँ तक कहा कि खलील मामून ने अपने दौर इक्तदार में उर्दू अकाडमी के लिए जो कारहाए नमाए अंजाम दिए, इसकी इतबा मुल्क की दूसरी अकाडमियों के सरबराहन को करना चाहिए। ताज़ीती नशस्त में तहजीब फाउंडेशन के सेक्रेटरी डॉक्टर अंजुम बारा बंकवी ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि खलील मामून को समझने के लिए आपको सौगात के पुराने शुमारे देखने होंगे। वो तहरीर व किरदार में उर्दू के सच्चे बही ख्वाह थे और शायर तो वह ऐसे बाकमाल थे कि इन्हें पढ़कर खारी दाद खुशनुदी देने पर मजबूर होता था। इस मौके पर मुमताज़ सहाफ़ी शायर व अदीब डॉक्टर महताब आलम ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि खलील मामू ने जब बेंगलोर कर्नाटक में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस मुनक़द की थी, इसमें उर्दू दुनिया के सब मुमताज़ अदीबों और शायरों को मदऊ किया था। इनका हुस्न इंतज़ाम और उर्दू के लिए इनका कमिटमेंट काबिल रश्क था। हमें इनके अधूरे ख्वाब को पूरा करने के लिए इकदाम करना चाहिए। इस ताज़ीती नशस्त में इसके अलावा सैयद आसिफ अली, फरहत सईद, अशोक तिवारी, अजय सराफ, फरहान खान, डॉक्टर मैजबी बेगम, अस्मा अब्बासी, जीशान खान भी मौजूद थे। प्रोग्राम के आखिर में खलील मामून की मगफरत के लिए दुआएं की गईं। अल्लाह इन्हें जवार रहमत में आला मकाम अता फरमाए। आमीन। मेरी दुआ भी होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।